हाय फ्रेंड्स, आज इस वीडियो की श्रृंखला में हम अपने देखे जाने वाले मरीजों के कॉमन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता है कि सर, ये पाइल्स में लेजर ट्रीटमेंट क्या होता है, या फिर पाइल्स में और क्या क्या ट्रीटमेंट आप करते हैं। तो आज का ये वीडियो मैंने बनाया है लेजर ट्रीटमेंट पे, कि लेजर थेरेपी आखिर में पाइल्स में कैसे काम करती है, क्या किया जाता है। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पाइल्स आपका चार तरीके का होता है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री। इसके बारे में जानने के लिए आपको हमारा पिछला वीडियो देखना चाहिए, जिसमें पाइल्स की स्टेजेस के बारे में बात की गई है। बेसिकली लेज़र ट्रीटमेंट का जो लाभ हमें मिलता है फर्स्ट डिग्री में न मिल करके, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री में हम लोग को लेज़र ट्रीटमेंट का लाभ मिलता है। लेज़र ट्रीटमेंट इसमें किया जाता है। लेज़र ट्रीटमेंट के लिए जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक लेज़र मशीन होती है, जिसका एक अपना पावर होता है, एक एनर्जी होता है, एक तरह का एनर्जी सोर्स है, जिसका हम लोग पाइल्स के मसलों में उनका प्रयोग करते हैं। उसके लिए स्पेशलाइज टेक्निक होती है, उसके लिए एक स्पेशल तरीके का फाइबर होता है, जिसको हम लोग बेयर फाइबर के नाम से जानते हैं, और उसको मशीन के साथ अटैच करके आवश्यकता अनुसार लेजर बीम या लेजर एनर्जी वहाँ पर छोड़ी जाती है। तो लेजर ट्रीटमेंट के दौरान वहाँ पर पाइल्स ट्रीटमेंट करते समय कोई चीरफाड़ नहीं होता है, कोई कट नहीं लगता है। सिंपल बेहोशी की अवस्था में कमर में एक सुई लगा करके उस हिस्से को सुन्न कर सकते हैं, या वहाँ लोकल इंजेक्शन लगा करके उस जगह को सुन्न कर सकते हैं, मलद्वार को। जब मलद्वार रिलैक्स होता है तो उसमें कैलकुलम डाल करके और पाइल्स को लोकलाइज कर लेते हैं कि किस मसले में हमको, किस हिमोराइड में हमको लेजर ट्रीटमेंट देना है। वहाँ पे एक बहुत ही माइनूट सा एक छेद बनता है हमारे जो लेजर फाइबर है उसके जाने भर का, लेजर फाइबर अंदर चला जाता है जबकि वो पाइल मास में जब रहता है, तो वहाँ पर हम लोग फिर डिफरेंट या आवश्यकता अनुसार एनर्जी डिलीवर करते हैं एक रिमोट पैडल के माध्यम से, और उसकी वजह से आपके पाइल्स के अंदर जो कुछ भी जो खून की नलियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं, जो ब्लड होता है वो जम जाता है, और नलियों के सिकुड़ने के वजह से वहां पे भविष्य में फिर दोबारा ब्लड सप्लाई होने के चांसेस कम रहते हैं। और ये मुश्किल से 5 से 10 सेकंड का प्रोसीजर होता है एक पाइल मास के लिए, और लेजर ट्रीटमेंट करने के बाद, लेजर बीम देने के बाद वहाँ पर हम लोग बर्फ़ से उसकी सिकाई भी कर देते हैं, ताकि जो लेजर बीम का जो इफ़ेक्ट आया है आसपास के टिश्यूज़ में वो कम से कम हो, और इतना करने के बाद धीरे धीरे आपका पाइल मास सिकुड़ने लगता है। हाँ, ये है कि ऑन टेबल पाइल मास पूरी तरह से नहीं सिकुड़ता है, पूरी तरह से सिकुड़ने में उसको थोड़ा वक्त लगता है, 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं सिकुड़ने में, और इस दौरान मरीज को हल्का फुल्का डिस्चार्ज या हल्का फुल्का कभी पेन का एहसास हो सकता है। और इस तरह विधि से प्रयोग करने से, लेजर ट्रीटमेंट से, बिना चीरफाड़ के हम लोग किसी भी पाइल्स मास का लेजर सर्जरी कर देते हैं। लेजर सर्जरी का ये फ़ायदा है कि एक बार में आप एक पाइल्स मास के अलावा कई पाइल मास भी हैं तो उनका भी हम लोग लेजर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और ऐसा देखा गया है कि उसमें रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। कभी कभी उसके अपने कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, लेकिन अगर सही टेक्निक और सही तरीके से उसको किया जाए तो किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशन को रोका जा सकता है। तो ऐसे में हम आप सबको ये बताएंगे कि लेजर ट्रीटमेंट एक सिक्योर ट्रीटमेंट है, एक न्यू डिवाइस डेवलप हुई है जो कि पाइल्स के मरीजों के लिए काफ़ी लाभकारी है। इसको हम डे टाइम प्रोसीजर, डे प्रोसीजर के रूप में भी कर सकते हैं कि पेशेंट आया और उसका हम लोगों ने बाकी जांच वगैरह कराने के बाद, उसको लेजर सर्जरी करने के बाद उसी शाम को उसको घर पे हम छोड़ सकते हैं। तो इसलिए लेजर ट्रीटमेंट का रिजल्ट अच्छे हैं और उसको आराम से कराया जा सकता है, बिना चीरफाड़ का है, कोई वहाँ पे ऊन नहीं बनता है, कोई आपका कट नहीं लगता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पर दोबारा ब्लीडिंग होने की संभावना भी कम से कम रहती है। हम लोग लेजर ट्रीटमेंट को आराम से पाइल्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके प्रोसीजर्स के वीडियो जानने के लिए या पाने के लिए आप इस पर संपर्क कर सकते हैं।
और किसी भी तरह का मन में शंका हो लेजर ट्रीटमेंट को लेकर के फाइल्स के लिए, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए। और साथ में अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन दबाना कृपया न भूलें, ताकि आपको समय समय पर मलद्वार संबंधी रोगों के बारे में अगर हम कोई भी वीडियो जारी करते हैं तो सही समय पर आपको उसकी सूचना मिलती रहे और जिसको देख करके आप लाभान्वित हो सकते हैं।